स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी है। एक ऊपर की तरफ त्रिभुज बना है और एक त्रिभुज नीचे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। इस पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों की दो बराबर भुजाएं आपस में समान हैं। इसकी दोनों आपस में समान है और इसकी आपस में समान है। यहाँ पर इसको कट कर दिए दोस्तों। अब आपको ये बताना है कि क्या ए बी डी और ए सी डी आपस में बराबर है। अगर है तो इसको प्रूफ करके बताओ कि क्यों बराबर है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी, आप पहले ऊपर का ले लीजिए त्रिभुज। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है। ए बी बराबर ए सी, ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बात होगी, जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो आप यहां लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। यहां पर आप लिखें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए आपने ये लिख दिया। दूसरी बात है कि BC इस कोण के लिए और इस त्रिभुज के लिए और दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है। तो यहां पर आप लिख दें कि ये कोण हो गया, कोण ले लिया आपने, त्रिभुज ले लिया। अब आप क्या लेंगे भाई? एक तो आपने के पास AB और AC हो गया, दूसरा कोण हो गया, तीसरा क्या लेंगे इसमें भाई? आपके पास ये दो चीजें हो गई ना। आप इसको, मैं तो कहूंगा इसको समीकरण नंबर एक बना लीजिए और इसी तरह से दूसरी बात ले लो। दूसरे में क्या जाएगी? बी डी सी डी। तो आप लिख दीजिए यहां पर त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज ये भी है। यहां पर आप देखें तो बी डी बराबर कितना हो गया? सी डी हो जाएगा। बी डी बराबर सी डी, ये भी आपको फिगर में दिया है, ये ले लीजिए। और जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए तो अब यहां लिख दीजिए एंगल बी डी सी, सॉरी डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। और यहां पर भी आप लिख दीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपने लिख दिया। और इसको भी आप इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। आप यहां पर लिखो समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं ना, तो जो लेफ्ट साइड का होता है लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड का होता है उसे राइट साइड में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, और दूसरी साइड में एंगल ए सी बी और प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी और डी बी सी जोड़ेंगे तो एंगल ए बी डी आ जाएगा, इसको जोड़ने पर एंगल ए बी डी होगा, और इधर जोड़े तो एंगल ए सी डी आ जाएगा, एंगल ए सी डी। आपको प्रूफ भी यही करना था, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ये हो गया भैया प्रूफ आपका, ठीक। क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन्हें आप क्लिक करके उनकी स्टडी प्रॉपर वे में कर सकते हो। थैंक्स टू वॉच।